हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा एक कार्यक्रम, ये प्रोग्राम कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मेडिकल चमत्कार, मेडिकल मिरिकल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कोविड के दौर पर हम सभी ने सांसों के लिए मजबूर होते लोगों को देखा है और आज एक बार फिर हम उसी मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन जब भगवान हमारे साथ है, धरती के भगवान, तो डर किस बात का। लेकिन हाँ, समस्या एक है, जागरूकता की। हमको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। इस पर हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर। बीते साल से हम लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सुन रहे हैं। हैदराबाद, चेन्नई से ब्रीदिंग लंग ट्रांसप्लांट हुए या फिर डबल लंग ट्रांसप्लांट हुए, और कहा जाने लगा कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रिया की तरह ही भारत में भी लंग ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और इसकी राजधानी बना दक्षिण भारत। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि भारत की राजधानी में भी, मतलब दिल्ली में भी, लंग ट्रांसप्लांट अब संभव है। और ये कर दिखा रहे हैं डॉक्टर राहुल चंदोला और उनकी टीम। डॉक्टर राहुल चंदोला इंडिया के टॉप कार्डियक सर्जन है। इनसे वो बहुत सारे सफल रूप से कई हर्ट ट्रांसप्लांट भी इससे पहले वो कर चुके हैं और अब लंग ट्रांसप्लांट। एंड वी फील ऑनर्ड कि आज वो खुद हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल सर, सबसे पहला मेरा आपसे एक ही सवाल है कि लंग ट्रांसप्लांट आप कैसा महसूस करते हैं? लंग ट्रांसप्लांट सुनकर हम आम आदमियों के लिए, हम आम लोगों के लिए बड़ा अविश्वसनीय सा होता है, मिरेकल टाइप होता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता कि ऐसा हो भी सकता है। तो लंग ट्रांसप्लांट जैसी चीज, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रहती है? देखिए, लंग ट्रांसप्लांट जो है एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, और न केवल जो है प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके साथ के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे क्रिटिकल केयर है, ऑपरेशन होने के बाद जो है मरीज जो है अस्पताल में कम से कम 3 से 4 हफ्ते रहता है, तो वहाँ पे हर स्टेप पे जो क्रिटिकल केयर इन्वॉल्व होती है, जो मेडिकल केयर इन्वॉल्व होती है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो इन्वॉल्व होता है, वो बहुत इंटेंसिव होता है। और इसको करने के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत वेल फॉर्म टीम हो। टीम में जो है कार्डियक सर्जन, ट्रांसप्लांट टर्मिनोलॉजिस्ट, साथ में जो है क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, सारी टीम मिलके जो है लंग ट्रांसप्लांट को अंजाम देती है। और किसी भी सेंटर में अगर लंग ट्रांसप्लांट होता है तो वो उस सेंटर की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, यू नो। मैं, और सबसे बड़ी बात है कि लंग ट्रांसप्लांट के लिए जो टीम होती है वो स्पेसिफिकली उस चीज में ट्रेन होनी चाहिए। हमारे देश में इतनी ट्रेंड, हाईली ट्रेंड टीम नहीं है। जैसे अगर आप बात करें मेरी, मैं जो है करीब 7 साल जो है कनाडा में, टोरंटो में और बेटा में हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में स्पेसिफिकली ट्रेन हुआ, उसके बाद यहाँ आया। ऐसे ही हमारी टीम में जो ट्रांसप्लांट टर्मिनोलॉजिस्ट हैं वो ट्रेंड है इसमें, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ट्रेंड है। तो इतनी हाईली ट्रेन टीम को एक जगह सेंटर करना और लंग ट्रांसप्लांट को अंजाम देना, वो अपने आप में थोड़ा मुश्किल चीज है, चैलेंजिंग होता है। दूसरा, ऑर्गन डोनेशन एक इशू है हमारी कंट्री में, जो लाइव, जो ब्रेन डेड डोनेशन है उस पे लंग ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है ना। और लाइव डोनेशन जो है हमारे दिल्ली और NCR में काफी कम है ना? और इसीलिए जो है यहाँ पे जो लाइव, जो ब्रेन डेड डोनेशन से जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट, वो रिलेटिवली कम होते हैं। लेकिन अब डोनेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है 1 महीने में करीब जो है 6-8 डोनेशन हो रहे हैं दिल्ली NCR और आसपास के एरिया, जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, यहाँ पे काफी डोनेशन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके डोनेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी चीजें इम्प्रूव हो रही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज रहता होगा। करीब 10 साल पहले स्टार्ट हो गए थे और इसीलिए जब मैं कनाडा से वापस आया था तो मैं चेन्नई में ही ज्वाइन किया था मैंने 2013-14 में, और हमने वहाँ कई लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट वहाँ पे किए। लेकिन जरूरत थी कि हमारे अपने नॉर्थ में भी ये चीजें शुरू हुई, और यही सोच के मैं यहाँ नॉर्थ में आया, और अब हमने जो है यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम भी, हार्ट तो हम कर ही रहे थे, लंग्स भी यहाँ पे जो है दोबारा से शुरू कर दिए हैं। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो है ये नॉर्थ में भी जो है बहुत जल्दी हमारा जो प्रोग्राम है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक्चुअली वी हैव बेस्ट इन द वर्ल्ड टीम राइट नाउ, देयर इज नो रीजन
why we should not be able to develop a world class program here. Exactly, we show. लेकिन राहुल सर एक और प्रॉब्लम मुझको लगती है कि ऑर्गन, जैसे कि आपने कहा कि ऑर्गन डोनेट करने को लेकर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, समस्या क्रिएट होती है, रिलेटिव्स को जो ब्रेन डेड जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि इनके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। और एक और इससे मिलता जुलता सवाल यह है कि ब्रेन डेड पर्सन कब तक, किस टाइम लिमिट तक अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, कब तक उनके ऑर्गन्स को हम ले सकते हैं, यूजफुल है? सो जनरली क्या हुआ कि पहले ऐसा बोला जाता था कि साउथ में लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है, नॉर्थ में कम है, तो लोग जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें जो है नॉर्थ और साउथ के सभी सेंटर्स पे जो है अगर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स ने पेशेंट के फैमिली अटेंडेंट से बात की और ये सामने बात रखी कि अगर वो हाँ बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो उनके इस हाँ से करीब 8 लोगों के डायरेक्टली जो है जाने बच जाएगी। तो 8 लोग जैसे कौन है, जिसको हार्ट मिलेगा, जिनको लंग मिलेंगे, जिनको किडनीज मिलेंगी, 2 किडनीज मिलेंगी, 2-2 डोनर, 2-2 रेसिपिएंट को, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, तो इस तरह से एक ब्रेन डेड डोनर से 8 लोगों की जान बच सकती है। और बाकी जो टिश्यू डोनेशन होते हैं जैसे स्किन हो गया, आई हो गया, कॉर्निया हो गया, हार्ट वेल्व्स हो गए, इस तरह के करीब जो है 40 से 50 अलग टिश्यू डोनेशन से मिल सकते हैं। सो इट हैज एन इमेंस इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। और एक चीज अगर जो है पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया जाता है तो इन द मोमेंट ऑफ ग्रीफ भी वो मना नहीं करते हैं। तो हमें जो है इस चीज को ध्यान रखना है, पेशेंट को के को ये चीज ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो है जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं ये मैसेज कन्वे करने में, वो कन्वे करें। और दूसरा जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेजिस्लेशन आए कि जितने भी ब्रेन डेड डोनर्स हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, उनको वो हॉस्पिटल विद इन 2-3 आवर्स जो है वो ऑर्गन रजिस्ट्री को नोटिफाई करें। अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन आ जाता है तो ब्रेन डेड डोनेशन दिल्ली NCR में हर रात कम से कम जो है 10-15 ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि कितने सारे डोनेशन जो है महीने में हो जाएंगे यहाँ पे। यू कैन इजीली बीट यू नो द वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर अगर हमारे यहाँ जो है कोई लेजिस्लेशन आ जाता है, सिंपल लेजिस्लेशन आ जाता है, साथ में जो है थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, तो हम इजीली वी कैन बी द वर्ल्ड हब और ऑर्गन डोनेशन। एंड हमारे जो है जो जो हर साल करीब 5 लाख लोग एंड स्टेज डिजीज से उनकी मृत्यु होती है, किसी को जो है किडनी फेलियर है, किसी को लंग फेलियर है, किसी को कार्डियक फेलियर है, ऐसे 5 लाख लोग हर साल जो है ऑर्गन्स को वेट करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब जानों को बचाया जा सकता है अगर हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन अच्छी हो और एक सिंपल सिंपल लेजिस्लेशन अगर जो है इफेक्ट में आ जाए, इट इज अ ह्यूज इंपैक्ट, सोसाइटल इंपैक्ट। डॉक्टर राहुल सर, इससे एक और सवाल आता है मेरे जहन में, वो ये है कि आपने जैसा कि बताया कि ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसी यूनिट या फिर मैं कहूँ कि कोई ऐसी टुकड़ी काम कर रही होती है जो उनसे कोऑर्डिनेट करती रहती है उनके रिलेटिव से, ताकि ऑर्गन्स को डोनेट करने को लेकर बातचीत की जा सके? जी बिल्कुल, सो ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो है वो हॉस्पिटल में होते हैं और वो सब हॉस्पिटल्स में नहीं है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन, जहाँ पे ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है, वहाँ पे वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो जो भी ट्रॉमा यूनिट है, जो ICU में ब्रेन डेड पेशेंट हैं, वहाँ पे ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जाते हैं और फैमिली से बात करते हैं। लेकिन इसमें इस ICU फिजिशियन के अंडर में वो पेशेंट है, उस ICU फिजिशियन को इस कॉज को पुश करना जरूरी है। अगर वो ICU फिजिशियन ही इस कॉज को इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर वहां बात करेगा भी पेशेंट के रिलेटिव से, तो मानेंगे नहीं। अगर ICU फिजिशियन जिसके अंदर में पेशेंट है वो एक बार पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं और फिर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जाके बात करते हैं, तो इट हैज एन इम्पैक्ट।
ट्रेनिंग न केवल जो है पेशेंट के फैमिलीज की जरूरी है, बल्कि आईसीयू फिजिशियंस, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट जिनके अंडर में ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं उनको भी अपने करने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल सर, जैसे हम सुनते हैं जब लंग ट्रांसप्लांट की बात होती है तो कनाडा का जिक्र होता है, ऑस्ट्रिया का जिक्र होता है, यूएस का जिक्र होता है, क्या इंडिया भी इतना आगे आ सकता है कि लोग इंडिया में लंग ट्रांसप्लांट करवाने आए? जी बिल्कुल आ सकता है। और देखिए हम लोग ऐसे ही सेंटर्स में, मैं टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में ट्रेन हूँ, ये हॉस्पिटल वर्ल्ड का नंबर वन सेंटर है लंग ट्रांसप्लांट, यहीं पे दुनिया का सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट हुआ था 1984-83 में। पहला लंग ट्रांसप्लांट जो है वो टोरंटो में हुआ था, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में, मेरी ट्रेनिंग वहीं से हुई है। और उन सेंटर्स में भी जिस तरह का लंग ट्रांसप्लांट हमने यहाँ किए हैं, जो ये वाला लंग ट्रांसप्लांट किया जिसमें पेशेंट एक्मो पे था 8 दिन तक, लाइफ सपोर्ट पे था 8 दिन में, एंड ग्रेजुअली जो है हम लाइफ सपोर्ट को कम कर पाए, डबल लंग ट्रांसप्लांट हुआ और पेशेंट धीरे धीरे करके ब्लूनॉफ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। सो ऐसे ऑपरेशन इवन टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में भी रूटीन नहीं होते हैं, वहां पे भी जो है 100 में 2 या 3 केसेस इस तरह के होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस। जब हम इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे कर ले रहे हैं तो नॉर्मल रेगुलर लंग ट्रांसप्लांट्स में हम कर ही लेंगे, तो पूरी कैपेबिलिटी है, सब कुछ है यहाँ पे। ऑर्गन डोनेशन रेट थोड़े और प्रमोट हैं तो इंडिया जो है लंग ट्रांसप्लांट का हब बन जाएगा। बिल्कुल सर, ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, उनके रिलेटिव्स को जो ब्रेन डेड है। साथ ही साथ एक और सवाल था सर कि हमेशा एक पॉइंट ऐसा रह जाता है जहां पर गवर्नमेंट अगर कुछ सपोर्ट करती है तो वो चीज़ और ज़्यादा अपलिफ्ट होती है, वो चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। तो इस सेक्टर की अगर बात करूँ, अगर हम लंग ट्रांसप्लांट की बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, और स्पेसिफिक तौर पर अगर मैं लंग ट्रांसप्लांट की ही बात करूँ, तो गवर्नमेंट को किस लिहाज से इसमें सपोर्ट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम लंग ट्रांसप्लांट के हब के तौर पर निकल कर सामने आ सकें? जी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश में जो है फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जनरली जो पेशेंट्स जो है लंग डिजीज, एंड स्टेज लंग डिजीज से ग्रसित होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती उनकी। सो लंग ट्रांसप्लांट क्योंकि काफी महंगा होता है, इसमें जो सामान लगता है, इसमें जो प्रिजर्वेटिव लगते हैं, इसमें जो एक्मो लाइफ सपोर्ट का इस्तेमाल होता है, और पेशेंट जो है 3 हफ्ते 4 हफ्ते आईसीयू में रहता है, हमें पूरी एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, एक बार जो एपरेटस यूज होता है वो दोबारा यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ये सारी चीजें जो है लंग ट्रांसप्लांट को काफी कॉस्टली बनाती हैं। सरकार अगर जो है इस तरह के पेशेंट के लिए कोई इंश्योरेंस या कोई सपोर्ट सिस्टम बनाए जिसमें इन पेशेंट को फाइनेंशियली कुछ मदद मिले, और क्राउड फंडिंग भी की जा सकती है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा, हम मिल के गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे हम ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करें। तो इफ वी रन हैंड इन हैंड विद विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस चीज को समझे इस फोर्स को, और हमारे साथ जो है ऑर्गन डोनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, दिस पर्टिकुलर कॉज विल हैव द मैक्सिमम सोसाइटल इंपैक्ट। गवर्नमेंट इससे ज्यादा बड़ा सोसाइटल इंपैक्ट और किसी प्रोग्राम के थ्रू नहीं कर सकती। लाखों लोगों की जान जो है सिर्फ गवर्नमेंट के एक छोटे से इंटरवेंशन से या लेजिस्लेशन से जो है बच सकती है, एंड आई थिंक इससे बड़ा सोसाइटल इंपैक्ट और किसी चीज की नहीं, क्योंकि हम तो डेली ऐसे मरीजों को देखते हैं जो कि जो है एंड स्टेज लंग डिजीज, एंड स्टेज हार्ट डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज से ग्रसित होते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, पूरी फैमिली डिवास्टेटेड होती है, वो इतने समय से अपने मरीज के साथ जो है डायलिसिस पे हैं, इतने समय मरीज के साथ जो है अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, पेशेंट जो है बहुत आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, बहुत सिक पेशेंट है, वेट कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन का, कहीं कोई मिल जाए लेकिन नहीं मिलता है और ये लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। सो अगर ऐसे लोगों के लिए हम कुछ करने से
ऑर्गन डोनेशन रेट्स में बढ़ते हैं और अब उनको गिफ्ट ऑफ लाइफ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन डोनर, देयर कुड बी नथिंग बिगर देन दैट. बिल्कुल. और सर, एंड वी हैव द प्रोटोकॉल्स, वी हैव एवरीथिंग, जस्ट दैट वी हैव टू वर्क इन 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 close ties with each other. Unison with the government. Yeah. No, that, sir, अगर exactly, अगर एक point पे बात करूँ, awareness के point पे बात करूँ, तो सर हमने काफ़ी सुना है कि eye donation होता है, नेत्रदान होता है, लेकिन हमने lung donation के बारे में ये बहुत कम, मतलब अगर मैं अपने आसपास की बात करूँ, अपने सोसाइटी की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत कम होता है कि lung donation जैसी कोई चीज़ होती भी है. अब इसकी awareness नहीं है, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि जब तक ऑर्गन ही नहीं होगा वो अवेलेबल, तो ट्रांसप्लांट कैसे होगा. तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए सर हम किस तरीके से सोसाइटी के बीच में अवेयरनेस को फैला सकते हैं, अगर हम आपसे समझ सकें. जी, तो देखिए इसमें जो है एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट इसको जो है एक मिशन मोड पे लेके चले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ऑर्गन डोनेशन पे कुछ बैनर्स, कुछ मैसेजेस जो है अगर जो है नेशनल टेलीविजन पे ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए. साथ में आप जैसे मीडिया हाउसेस अगर इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन से एक मिशन मोड पे चलाए, यू नो, एंड इन एडिशन टू दैट हम स्कूल कॉलेजेस में यू नो ऑर्गन डोनेशन के बारे में जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जहाँ पे भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं यू नो वहाँ पे जो है अवेयरनेस कैंपेन उनके साथ क्लब कर दें. साथ में जो अलग अलग आईसीयूज हैं जहाँ पे ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, जहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट्स आते हैं, उन आईसीयूज के फिजिशियंस को भी हम जो है अवेयर करें, कि उनको बताएं कि आप अगर जो है पेशेंट की फैमिली को कन्विंस करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग 8 lives, 8 जाने आप बचा रहे हैं एक सिंपल एक्ट से. So how noble is that? How noble is that that act? बिल्कुल. तो ये चीज उनके दिमाग में अगर आ जाए, तो we can do wonders. Yeah. सर, आपने दो चीजों का यूज किया है. आपने कहा कि जीवनदान वर्ड का यूज किया और we can do wonder. दोनों चीजें आपसे ही लिंक है सर. आप जीवन दान देने का काम करते हैं ऐसे पेशेंट्स को और वंडर भी होते हैं. सर, अगर एक आम परसेप्टिव से अगर बात करूँ, एक आम सोच से अगर बात करूँ, एक मिरेकल से कम नहीं लगता सर. अविश्वसनीय है कि किसी का लंग ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. ये प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, और इसके साथ ही साथ सर थोड़ा सा एक्सपेंड करके, मोर ओवर करके ये और बताइएगा कि आपने जब पहली बार, हालांकि आप कई कर चुके हैं ट्रांसप्लांट्स, लेकिन पहली बार जब आप कर रहे थे तब किस जोन में थे, क्या फील कर रहे थे, ये चीज़ जरूर जानना चाहेंगे सर. जी, सो देखिए लंग ट्रांसप्लांट जो है ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और इसको लर्न करना ये भी एक प्रोसेस है. सो यू हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई एज अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है एडवांस कार्डिक सर्जरी में, और फिर आप इफ यू आर लकी इनफ टू गेट इनटू द हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जो कि वेस्ट में है, कैनेडा में है, यूएस में है, यूरोप में, अगर वहाँ अच्छे प्रोग्राम में आपको जो है एंट्री मिलती है, वहाँ ट्रेन करते हैं आप, देन यू गेट ट्रेन एज हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वेरी लॉन्ग प्रोसेस. दूसरा जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने कहा ये एक टोटल टीम वर्क है, और इसमें इतनी सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं, राइट फ्रॉम ट्रांसप्लांट सर्जन, ट्रांसप्लांट इस क्रिटिकल केयर, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट स्पेशलिस्ट, सोशल वर्कर, यू नो पीपल हु इन्वॉल्व देयर, बंच ऑफ टीम्स इन्वॉल्व देयर, एंड एवरी टीम हैज अ रोल. तो एक टीम स्ट्रांग होगी और बाकी लोग स्ट्रांग नहीं है तो काम नहीं चलेगा. बहुत अच्छा सर्जन है लेकिन क्रिटिकल केयर टीम अच्छी नहीं है, नहीं चलेगा. बहुत अच्छे क्रिटिकल केयर टीम है, सर्जन अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा. एवरीबडी हैज टू बी परफेक्ट इन देयर रोल, एंड देन वंडर्स कैन हैपन, यू नो.
और इसमें क्या होता है कि लंग जो है, लंग ट्रांसप्लांट में लंग जिनको एंड स्टेज डिजीज होती है, जैसे ये पेशेंट हमने जो किया, ये पेशेंट को जो है एम्फाइसेमेटस डिजीज थी, लंग जो है पूरे खत्म हो गए थे और लंग टिश्यू जो है पूरा एयर स्पेस से भर गया था, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा था। ये पेशेंट जो है 15 लीटर ऑक्सीजन पे था और उस पे भी इसका मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। बाईपैप मशीन होती है, बाईपैप से सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। आखिरी में इतना ज्यादा सिक हो गया पेशेंट कि उसको एक्मो पे रखना पड़ा। उनको एक्मो जो है लाइफ सपोर्ट होता है। और ये पेशेंट 8 दिन एक्मो पे रहा। तो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और इसके जो है दोनों लंग्स को रिमूव करके हमने जो है नए लंग्स ट्रांसप्लांट किए, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। बट ऑपरेशन के साथ साथ इसमें क्रिटिकल केयर के इतने एस्पेक्ट हैं। पहले इसको जो है फिर हमें जो है एक्मो से वीन ऑफ करना पड़ा, फिर वेंटिलेटर से वीन ऑफ करना पड़ा, अब जाके ये पेशेंट जो है नॉर्मल एयर, नॉर्मल ब्रीद कर रहा है। अब हम उसको देख रहे हैं कि पहली बार उसने जो है सांस ली है विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। वो मरीज पिछले 2 साल से जो भूल ही गया था कि विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है वो, और इतना डिस्ट्रेस में कि रात में जो 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा था। अब वो कर रहा है नॉर्मल ऑक्सीजनेशन हो रहा है, इससे बड़ा ग्रेटिफिकेशन हम लोगों के लिए कोई नहीं मिल सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे ख्याल है सर। और जहां तक पहली बार ऑपरेशन की बात है तो मैंने अब तक जो है 200 से ज्यादा लंग ट्रांसप्लांट किए हैं। जब मैं चेन्नई में था 2013-14 में, मैंने चेन्नई में करीब जो है 50 लंग ट्रांसप्लांट किए हैं वहां पे, और उससे पहले करीब जो है 150-200 ट्रांसप्लांट मैंने जो है बाहर कनाडा में किए, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में और अल्बर्टा में किए। बहुत स्पेसिफिकली तो नहीं याद है मुझे कि पहला तो क्या फीलिंग थी, बट सडनली एक नया एक्सपीरियंस था और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ऐसे प्रोग्राम का पार्ट हूँ जो कि वर्ल्ड क्लास है। और मुझे साफ साफ ये दिख रहा था कि इस ट्रांसप्लांट के करने से मैं एक लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता हूँ। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, यू नो, वंडरफुल फीलिंग। Okay, so you are a legend for lung transplanting. Thank you so much, sir, for being with us and giving your time. Thank you so much, sir. तो हमारे साथ थे डॉक्टर राहुल चंदोला, कार्डियक सर्जन, इंडियाज टॉप मोस्ट। आज हमने इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से लंग ट्रांसप्लांट, जो कि इतनी पेचीदा चीज़ है, जो हम लोगों लेमन लोगों को बहुत ज़्यादा ये मिरेकल लगता है, अविश्वसनीय लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल, इवन पॉसिबल ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल करते हैं धरती के भगवान, डॉक्टर्स। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी एक अलग टॉपिक के साथ। शुक्रिया।